तो उसने क्या किया, इनके ऊपर गोली चलाया नीचे राइफल से, गोरा सा बंदा था ठीक है, उसके बाद गोली चलाया तो ये भागे बाघ की तरफ, प्रधान जी एक बाघ है अपनी बचत के लिए भागे, फिर उसके बाद वो पिस्टल से वो जो साबिर उमरी का वो चलाने लगा इसे, अच्छा, तो हम लोग जो खेत की तरफ भागे, भागे हम भागे और ये भागे, खाली हाथ रहे हम लोग, खाली थे, उसके बाद प्लाट पे गए थे, हम लोग प्लाट में गए थे, उसके बाद जब देखे एक बंदा जो हमारे गाँव का था पिंटू रमेश ये इसका भाई था, वहाँ पे कहीं से आ रहा था, मतलब देखा भीड़ तो आ गया और उसको पिस्टल से गाड़ी में बैठे बैठे उसको गोली चलाया, मतलब इसके भाई ये नहीं गोली चला रहा था मेरे आगे, चलाया इनके ऊपर चलाया मेरे ऊपर गोली लग गई इसकी, ये इनका भाई आपका बड़ा भाई, इनका भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई उसका बड़ा उम्र है लगभग, अरे 30 के लगभग होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको गाड़ी में भर के उठा ले, भर लेके भागे साहब, ऐसा है कि आप हमारी जो पुलिस है ना वो पीछा कर रही है, जानकारी हो गई, अभी 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 आपको अभी आधा घंटा में हो तो आपका भाई अभी अरेस्ट हो जाएगा, वो लोग भी उनके आदमी को हम लोग चाहते हैं, यहाँ हमारे जितने दरोगा है ना वो सारे दरोगा सारे लोग जो है वहाँ पर, सर आपसे बड़ी उम्मीद है, हमें बता रहा हूँ सारे दरोगा जितने हमारे हैं, अभी इंस्पेक्टर भी यहाँ आए होंगे, इंस्पेक्टर साहब और दरोगा दोनों लोग जो है वहाँ पहुँच गए, जहाँ पर वो लेके जहाँ जानकारी मिली, जैसे आप लोग तो यहीं हो, आपको क्या पता कहाँ ले गए।